नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस छोटे शॉर्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी इंटरनेट में कोई चीज सर्च करने के लिए या फिर ढूंढने के लिए गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को डार्क थीम पसंद आती है, तो गूगल की ओर से एक अनाउंसमेंट आया है जिसमें गूगल ने कहा है कि जितने भी डेस्कटॉप यूजर हैं, अगर वो गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में और वो डार्क थीम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से इन्होंने कहा है कि डार्क थीम इज नाउ अवेलेबल ऑन गूगल सर्च डेस्कटॉप। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग डेस्कटॉप में गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं और आप लोग डार्क थीम को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग डार्क थीम को हटाना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो गूगल सर्च डेस्कटॉप में अगर आप लोग डार्क थीम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग आ जाइए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में और कोई भी ब्राउजर जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने उस ब्राउजर को खोलना है और फिर उस ब्राउजर में आप लोगों को google.com को एक्सेस कर लेना है। google.com या फिर google.co.in, जो भी आप लोगों को पसंद है आप लोग उसको खोल लीजिए। जैसे आप लोग गूगल को खोल लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चीज सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ पर से आप लोग ABC या कोई भी आप लोग चीज सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को उसके जो सर्च रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे उसमें अभी लाइट थीम यहाँ पर से इसमें एक्टिवेटेड है, तो मेरे को यहाँ पर से जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट दिख रहा है। अब अगर आप लोगों को इसकी थीम चेंज करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर से टॉप राइट कॉर्नर पर एक सेटिंग का आइकन मिलता है, आप लोगों ने सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर आप लोगों को अपीयरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपीयरेंस में यहाँ पर फिर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी थीम लगानी है। यहाँ पर आप लोगों को तीन थीम के ऑप्शन मिलते हैं, लाइट थीम जो कि अभी लगी हुई है, डार्क थीम जिसमें आप लोगों का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोगों को मिलता है डिवाइस डिफॉल्ट। तो जो भी आप लोगों के डिवाइस की थीम होगी वो अगर आप लोग चाहते हैं इसको, तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर से डार्क थीम को सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर से डार्क थीम को सेलेक्ट करा। जैसे मैंने डार्क थीम को सेलेक्ट करा, तो जो मेरा सर्च रिजल्ट है वो यहाँ पर से डार्क हो गया है। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोग सेटिंग पे क्लिक करते हैं और आप लोगों को यहाँ पर से अपीयरेंस का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से सी ऑल सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग सी ऑल सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास सेटिंग जो है वो खुल जाएंगी और यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट में एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का, तो आप लोगों ने यहाँ पर से अपीयरेंस को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग किस प्रकार के थीम को लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर से इसमें डार्क थीम जो है वो लगा दी है, अब मैं यहाँ पर से इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पर ही हम लोगों से बोल रहा है कि हमारी जो प्रेफरेंस है वो सेव हो गई है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, मेरी जो थीम है वो डार्क थीम हो गई है। अब मैं यहाँ पर से आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ये जो ब्राउजर है ये है मोजिला फायरफॉक्स। अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, गूगल क्रोम को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, मैंने गूगल क्रोम खोला और यहाँ पर से मैं अपने अकाउंट से लॉग इन भी हूँ। अब यहाँ पर से देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर से अपनी जो थीम है उसको डार्क सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर से इसका जो रिजल्ट है वो भी डार्क हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर से इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ, नहीं हुआ तो एक बार और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, हमारे उसमें जो थीम है वो डार्क थीम लग गई है। अगर मैं यहाँ पर से कोई भी चीज सर्च कर देता हूँ, मैं यहाँ पर से यही सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पर से देखिए हमारी जो थीम है वो डार्क इसमें अप्लाई हो गई। तो कुछ इस प्रकार, आप लोग अगर डेस्कटॉप यूजर हैं और आप लोगों को डार्क थीम पसंद है, तो आप लोग भी अपने गूगल सर्च में जो डार्क थीम है उसको लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया, तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के गूगल सर्च, गूगल से संबंधित, गूगल क्रोम ब्राउजर से संबंधित, किसी भी ब्राउजर से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसको जल्दी से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।